तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षा मेड ए विंड काइम यूजिंग ए फ्रेम एंड मेटल रोड्स। शी पंच्ड 8 होल्स इन द फ्रेम ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट। हर एक जो है वो 2 सेंटीमीटर के अपार्ट पे है, मतलब यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोजेक्शन होगा, मतलब एपी का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। यूजिंग 6 मेटल रोड्स फ्रॉम द फ्रेम एज शोन इन द फिगर बिलो, द रोड्स ऑफ मेटल रोड्स आर अलाइंड ओवर ए लाइन शो बाई द डॉटेड लाइन इन द फिगर। तो यहाँ पे 6 जो रोड्स है वो टाग दिए हैं, बट देखो यहाँ पर एक रोड यहाँ पे छोड़ी हुई है, एक रोड यहाँ पर छोड़ी हुई है, ठीक है। तो ये रोड और ये रोड, दो रोड छोड़ी हुई है। अब अपने को बोला गया है कि इफ़ ऑल द रोड्स आर स्ट्रेट एंड नॉट स्वेंग देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोड पी। तो पी जो रोड है ना, अब देखो ये तो हो गई फर्स्ट रोड, ये सेकेंड रोड, ये थर्ड रोड, ये फोर्थ रोड और ये फिफ्थ रोड, जो कि फिफ्थ रोड जो है वो पी रोड है, ठीक है। ओके, सिक्स, ये सेवन्थ और ये एट्थ रोड। तो इसके अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास में इधर से अगर अपन शुरू करते हैं या इधर से अगर अपन शुरू करते हैं, सो अपन इधर से शुरू करते हैं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 6, क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट है ये वाला, सबसे लास्ट में है ये, तो ये अपने पास में हो जाएगा ए 8 इज इक्वल टू जाएगा 29। तो अब अपन डी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो इसको अपन ए को तो ए लिख सकते हैं और ए 8 को लिख सकते हैं अपन, ए प्लस 7D इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में a प्लस 7D इक्वल टू 29, तो d का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू 6, तो ये जगह 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 29, 7D इज इक्वल टू जाएगा 29 माइनस 6 इज इक्वल टू 23, सो d इज इक्वल टू जाएगा 23 अपॉन 7। ये आ गया d का वैल्यू। अब D का जो वैल्यू है वो अपन पुट कर देंगे इसमें A5 निकाल, ये रोड P का लेंथ निकालने के लिए, तो ए ये जो है ना रोड P जो है वो कौन से नंबर की है, तो ये 1, 2, 3 एंड फोर्थ नंबर की ये है, तो अपन A4 निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपन A4 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, तो A कितना है यहाँ पे 6, तो ये जाएगा 6 प्लस 3D, 3 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 7, ओके। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, तो ये जाएगा 7 एलसीएम, तो 7 6 या 42, तो 42 प्लस 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 69, इन दोनों को ऐड करेंगे, सो ये जगह 2 9 11 का 1 1 कैरी, सो 4 एंड 6 10 एंड 1 11 हो जाएगा, तो ये जगह 111 अपॉन 7 सेंटीमीटर, ओके। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। सो होप सो आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप इसी को फर्स्ट मानो, आप ए जो है वो 29 को भी मान सकते थे और ए 8 जो है वो 6 सेंटीमीटर को भी मान सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे। अगर इस तरफ से करते तो ये फर्स्ट टर्म आ जाती, ठीक है, और अगर मैंने इस तरफ से किया है तो इसीलिए मैंने ए इसको माना है और इसको मैंने ए 8 माना है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे भी करो, बस अपने को रोड पी का लेंथ निकालना है, ओके। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछें, और भी सैम्पल पेपर्स के इस क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए एंड प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम डालते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।